नमस्कार, एनएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका शर्मा। तो चलिए बात करते हैं व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आज निफ्टी 50 122 अंकों की गिरावट के साथ 24,918 पर आकर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 398 अंकों की गिरावट के साथ 81,523 पर आकर बंद हुआ। आज टॉप गेनर्स में बजाज ऑटो, एशियन पेंट, ब्रिटानिया कंपनियां शामिल रही। वहीं टॉप लूजर्स में टाटा मोटर्स, विप्रो कंपनियां शामिल रही। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक आज 262 अंकों की गिरावट के साथ 51,010 पर आकर बंद हुआ। आज टॉप गेनर्स में एयू बैंक, एक्सिस बैंक शामिल रहे। वहीं टॉप लूजर्स में पीएनबी, कोटक बैंक शामिल रहे। अब बात करते हैं निफ्टी आईटी की। निफ्टी आईटी आज 170 अंकों की गिरावट के साथ 42,473 पर आकर बंद हुआ। आज टॉप गेनर्स में एलसीएल टेक और टॉप लूजर्स में विप्रो कंपनियां शामिल रही। अब बात करते हैं निफ्टी एफएमसीजी की। आज निफ्टी एफएमसीजी 183 अंकों की बढ़त के साथ 64,768 पर आकर बंद हुआ। आज टॉप गेनर्स में ब्रिटानिया, मारिको, रेडिको कंपनियां शामिल रही। वहीं टॉप लूजर्स में यूबीएल, डाबर शामिल रहे। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। आज प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 72,070 रुपए रहा और चांदी प्रति किलोग्राम का भाव 84,768 रुपए रहा। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एनएमसी न्यूज के साथ। धन्यवाद।